फेस और स्किन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए सब्सक्राइब करिए डेजे लाइफस्टाइल। यहाँ पे पाएंगे आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान। चैनल का उद्देश्य ये है कि स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी का सलूशन आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाए, और ऐसा सलूशन नहीं कि सलूशन बता दिया गया, ऐसा सलूशन जिससे कि आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम हो रखी है वो 100% ठीक हो जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे ये है बीट हेयर रिमूवल क्रीम। बहुत सारे लोगों की कमेंट थी, मतलब कि लड़कों की कमेंट थी कि जो बीट क्रीम आती क्या ये लड़के यूज कर सकते हैं या फिर केवल लड़कियों के लिए है। तो उसके ऊपर वीडियो होने वाली है, और इस वीडियो में एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूं, जो कि मैंने इसके ऊपर जो पिछली बार वीडियो बनाई थी तो उसके लास्ट में जो मैंने बताया था कि एक ऐसी जो क्रीम है जो वीट जो लोग यूज करते हैं उसके बाद ज़रूर यूज करनी चाहिए। उससे होता क्या है, जैसे कि आपके अंडर आर्म्स में जो कालापन है या फिर प्राइवेट पार्ट के आसपास या फिर प्राइवेट पार्ट पे कालापन है वो सारा लाइट होता है। ये चीज़ मैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों तरह के जो ऑडियंस है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो फ्री में इस तरीके की देखने को आ जाती है, और इसका जो वेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 30 ग्राम है। ये कई प्रकार के वेरियंट में उपलब्ध होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसिटिव स्किन बॉडी एंड लेग्स। इसी तरह नॉर्मल स्किन के लिए भी आती है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर से आपको एक चार्ट सा ओपन मिल जाएगा। इसमें आपको बताया गया है कि अलग अलग प्रकार की जो लोग स्किन होती है उनके लिए कौन कौन सी कितने कितने वेरिएंट आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे तीन तरह की वीट आती हैं। फिलहाल पहले एक और तरह की आती थी बट वो बंद कर दी गई है, और ये छोटा पैक भी आता है। तो जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ इसके MRP की बात कर लें तो 75 रुपये हैं। पहले बहुत ही सस्ती आती थी 45 रुपये की, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी कीमतें बढ़ती चली गई। और बात करेंगे क्या इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो दोस्तों इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। चाहे कोई लड़का यूज करे कोई लड़की यूज करे कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलने वाले। ये आपको आसानी से कॉस्मेटिक शॉप पर मेडिकल स्टोर पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हो। तो सवाल था कि क्या लड़के इस क्रीम को यूज कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, और मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ इस क्रीम को। ठीक है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले अभी तक। कि आप गुलाबी कलर की जो आती है ये सेंसिटिव स्किन है, तो नॉर्मल स्किन के लिए आती है जो पहले नंबर की, आप ये परचेज करिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप 6 मिनट तक इसको रखिएगा जहाँ से भी आपको हेयर हटाने हैं। और मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, अगर लड़के लोग हैं उनके जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा बड़े तो उनको ट्रिम कर लीजिएगा, ट्रिम करके छोटा कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। बहुत ही अच्छे ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस बीट क्रीम से। ठीक है, और बाकी जो लड़कियाँ हैं उनको पता ही है कि किस तरह यूज किया जाता है, क्योंकि वो लोग शुरुआत से इस क्रीम को यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए अब आगे का जो पार्ट है कि इसके बाद कौन सी क्रीम यूज करते हैं। इसके बाद बीट अगर आप यूज करते हो तो तुरंत उसके बाद बॉडी लोशन यूज कर लीजिए, वैसलीन का, पाउंस का, लैक्मी का, जो भी आपके पास है, बोरोप्लस है, फिर फ्रूट क्रीम जो आती है छोटी सी जो आएगी वो यूज कर लीजिए, मॉइस्चराइजर के तौर पर यूज कर लीजिए, क्योंकि रेडनेस आपकी स्किन को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप ये जो क्रीम आती है, जैसे मान लीजिए आपके अंडर आर्म या फिर बगलों के बीच है या फिर जांघों पे कालापन है, तो उसको दूर करने के लिए ये क्रीम आती है। अमेज़ॉन पे मिलती है, केवल अमेज़ॉन पे मिलती है, फ्लिपकार्ट भी नहीं है शायद, पता नहीं, शायद फ्लिपकार्ट पे है ये, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। अमेज़ॉन पे मिलती है ये माई पेन वाइट क्रीम है, कुछ तरीके की देखने को मिल जाएगी, सोल्यूशन ऑफ आल टाइप स्किन प्रॉब्लम। तो देखिए, बीट के बाद जिन लोगों को खुजली की प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत सारे लोगों के जो अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पे कालापन है, अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो तो ये दो समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। पहला कालापन जो है आपके बगलों के बीच में, जांघों के बीच में, और हाँ घुटने उठने या फिर गर्दन का जो कालापन है उसके लिए भी ठीक करेगा। और दूसरी बात, उस एरिया पे पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, जिससे कि उनको खुजली की प्रॉब्लम होती है, तो खुजली की प्रॉब्लम से भी ये निजात दिलाएगा। तो आप वहाँ पे अगर अपनी, जो लोग ब्यूटी यूज करते हैं जाहिर सी बात है वो हाइजीन लोगों की कैटेगरी में आते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माई पेन वाइट क्रीम भी यूज करें। ये यूज कब करनी, ये रात को आप सोते समय यूज करें बेस्ट रहेगा, क्योंकि सुबह हम लोगों को वॉक करना होता है तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, अगर आप अपनी स्किन पर लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा जो क्रीम का हिस्सा है वो आपकी बॉडी पार्ट पर नहीं रहेगा, और जब चीज़ ही नहीं रहेगी तो वर्क कहाँ से करेगी। तो आप रात को सोते समय माई पेन वाइट क्रीम का यूज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर मैं सर्च करूँगा, अगर मिल जाता तो मैं लिंक ढूंढ कर डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। फिलहाल तो अभी मैं अमेज़ॉन का लिंक डाल रहा हूँ, जिन लोगों को चाहिए वो लोग बाय कर सकते हैं। और हाँ, अभी हम लोगों ने इसकी MRP की बात बताना है तो भूल ही गए, 50 ग्राम की क्रीम आती है 370 रुपये की। कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन 370 की क्रीम अगर आप एक बार परचेज करते हो या आपको 2 मंथ
कि ऊपर भी बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं, आराम से चलती है। और हाँ, आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भी यूज कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो बीट क्रीम है इसको कितने दिन, देखिए पहले आपने बीट यूज करनी है, उसके तुरंत बाद ये नहीं लगानी है, पहले आपको लगाना कोई मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे और उसके बाद इस क्रीम को आपको यूज करना है। सो बहुत ही आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। जो मैंने प्रोडक्ट दिखाए, ना बीट के साइड इफेक्ट है, ना पेनोइड के साइड इफेक्ट है, किसी के भी साइड इफेक्ट नहीं आपको देखने को मिलेंगे आपकी स्किन पे। तो पूरा ये सेट है, मतलब कि तीन चीज़ें होती हैं, अभी एक चीज़ मेरे पास नहीं है, जैसे कि आप बीट यूज करें उसके बाद ये जगह खाली है, मॉइस्चराइजर की मैं पिक डाल दूंगा, मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं पाउंड्स का, वैसलीन का, और उसके बाद आप माई पेनोइड क्रीम यूज करें। माई पेनोइड क्रीम मतलब कि रात को यूज करिएगा, मान लीजिए सुबह आपने हेयर रिमूव करा, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद रात को ये क्रीम आपने यूज करी। तो ये चीज़ें यूज करें आपके, पहली बार जितने भी देखिए प्राइवेट पार्ट पे हेयर हैं, या फिर अंडर आर्म पे हैं, या फिर जांघों पे हैं, या फिर लेग्स पे हैं, वहाँ से हेयर जाएंगे, स्किन सॉफ्ट होगी और स्किन पे जो कालापन है वो भी ख़त्म होगा। सो दोस्तों, ये वीडियो एक काम करना, आप लाइक कर देना, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि देखिए आपके लिए इतने ढेर सारे प्रोडक्ट नए नए तरीके के मैं रिसर्च करके लाता हूँ और थोड़ा बहुत टाइम जाता है तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। और जाहिर सी बात है, इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वीडियो पर व्यूज़ बढ़ेंगे और ये देख के मुझे और अच्छा लगेगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी सवाल है प्लीज़ कमेंट करें, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। इस चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चले बाय, टेक केयर।